इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अगले साल होने वाले गोवा चुनाव के लिए ममता बनर्जी भी मैदान में उतर चुकी है, लिहाजा कुछ हद तक आवाम का साथ भी इन्हें मिल रहा है। लोगों में बढ़ती मकबूलियत भाजपा के लिए परेशानियों का सबब है ही, इसके साथ कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लग चुकी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी की क्यादत में आज गोवा में बड़ा अवामी इजलास मुनक्कद किया गया था, जिसमें बेलगाम कांग्रेस लीडर सतीश जारकीहोली भी शरीक रहे। अब ये भी चर्चा जारी है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोटों की तकसीम तो नहीं होगी, लेकिन गोवा की अवाम में अब तक मजहबी तशद्दुद का माहौल नहीं देखा जा रहा, और वैसे भी यहाँ ईसाई माशरे के वोट ज्यादा है। खैर, अब ममता बनर्जी का 3 दिन का कामयाब दौरा रहा। अब कांग्रेस सदर राहुल गांधी की क्यादत में चुनावी बिगुल बजाया जा रहा है, जिसमें सतीश जारकीहोली भी शरीक हुए। वैसे तो मौजूदा दौर मजहबी गुंडों का दौर है, किसी न किसी तरह इल्जाम तराशी, भला बुरा कहना तो हर रोज का काम हो गया है। आज फिर रामसेना के प्रमोद मुतालिक ने हलाल मुक्त दिवाली मनाने का ऐलान किया। हुकूमत की जानिब से आजकल हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लिहाजा हलाल सर्टिफिकेट देना हुकूमत बंद करे और तमाम हिंदू हलाल लिखा प्रोडक्ट खरीदना बंद करे, ऐसा ऐलान हुबली में साफियों से मुखातिब होते हुए प्रमोद मुतालिक ने कहा। आगे ये भी कहा कि FSSAI सर्टिफिकेट तो पहले ही दिया जाता है और अब हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसके लिए रुपये भी अदा करने पड़ रहे, लिहाजा हलाल चीज़ों का बायकॉट करे, ऐसा कहा। पुनीत राजकुमार की दिल के दौरे से मौत हो गई, लिहाजा इनके चाहने वालों में गम का माहौल देखा जा रहा है। पुनीत राजकुमार की मौत से सदमा पहुंचकर बेलगाम में 2 लोगों की मौत हो गई। परशुराम दामन्ना और उम्र 33, कनकदास नगर शिनोली बेलगाम को पुनीत राजकुमार की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और इसे भी दिल का दौरा आ गया, जिसमें इसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर राहुल गाड़ी वड्डर उम्र 22, वड्डर गली अथनी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब से पुनीत राजकुमार की मौत हुई तब से वो बहुत ज्यादा गमगीन था और दोस्तों के साथ गम की महफिल में भी शरीक रहा, लेकिन रात में घर में पंखे से झूल कर जान दे दी। शहर और त्राप में पुनीत राजकुमार की मौत के बाद गम की महफिलों का एहतमाम किया जा रहा। सिंदगी जमनी इंतखाबात आखिर अमन के माहौल में मुकम्मिल हुए। सिंदगी इंतखाबात को लेकर पूरे रियासत के बड़े भाजपा और कांग्रेस लीडरों का दौरा रहा। इसी दौरे के वक्त सिद्धरामैया बोम्मई और कुमार स्वामी के दरमियान बहस मुवासे भी देखे गए। कांग्रेस से अशोक मंगली, भाजपा से रमेश बुसनूर तो जेडीएस से नाजे अंगड़ी भी मैदान में है। मुकाबला वैसे तो कांग्रेस और भाजपा के दरमियान भी देखा जाए, लिहाजा बसव कल्याण की तरह यह भी जेडीएस पर कांग्रेस के वोट काटने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने की बात कही जा रही है। 2 नवंबर को नतीजे जाहिर होंगे। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नजर। कभी कभी खामोशी इंसान की बुजदिली को जाहिर करती है। अक्सर कहा जाता है कि खामोशी हथियार है और वक्त खामोशी के साथ अपना फैसला सुनाता है, लिहाजा खामोशी हर बार फायदेमंद साबित नहीं होती। आज खामोशी से मुराद मुस्लिम माशरे में जो हर जुल्म सहने की आदत पड़ती जा रही है, इससे बुजदिली तो जाहिर होती है बल्कि एक तरह से बेहिसी की इंतहाई गड़े में धंसते ये माशरा देखा जा रहा है। किसी पर कुछ कह भी देते हैं तो इसी माशरे के लोग ही इस पर एतराजात करते हुए ना सिर्फ अपनों के खिलाफ आस्तीन चढ़ाकर मैदान में उतरते देखा जाता है। शायद ही कोई दिन आज मुल्क हिंद में ऐसा नहीं गुजरता जिसमें एक समाज, एक तबके को निशाना नहीं बनाया जाता। समझने में ये भी नहीं आता कि आखिर ये खामोशी क्यों है, आखिर किस वक्त के इंतजार में ये माशरा है, अभी और क्या होता देखना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको जंग के मैदान में उतरना है और वो तुम कर भी नहीं सकते, लेकिन जिस संविधान ने, जिस आईने हिंद ने जो आज़ादी हमें दी है, इस पर अमल करते हुए क्यों हम हर रोज होते जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। कितनी दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर रच बस गई है, हम टस से मस होना नहीं चाहते। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। फिर बात वहीं पर आ जाती है कि हमारे माशरे के जिम्मेदार कौन है, आखिर किसकी रहबरी या रहनुमाई में हमें आगे बढ़ना है। कर्नाटक में आए दिन कुछ ना कुछ अनाप शनाप मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी होती रहती है। फिरका परस्तों का काम तो यही है, कानून न्याय व्यवस्था की बात तो होती है पर क्या इन पर किसी तरह की कार्रवाई की जाती है? अगर नहीं की जा रही है तो मुस्लिम माशरे का वो बावकार तबका कहाँ है जो फिजूल की बातों में फजीलतों के दलाइल पेश करते रहते हैं? कब तक और कहां तक हमारी रुसवाई और पस्ती है, इसका तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। दीनी रहनुमाओं पर बोलो तो एक तबका नाराज हो जाता है, सियासी रहनुमाओं पर बोलो तो इनके भी हिमायतों को तकलीफ होने लगती है। मस्जिद के जिम्मेदारान पर कुछ कहो तो यहां भी इनके चाहने वाले नजर आने लगते हैं। आखिर माशरा अपनी परेशानियां, अपनी मजबूरियां कहां बयान करे।
आज भी त्रिपुरा पर हो रहे जुल्म ज्यादति पर हम आवाज नहीं उठा सकते, इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं आप न्यूज के बजाय बाज वक्त बयान करते हो, क्या मस्जिदों से जो बात बोलनी थी नहीं बोल सकते, तो कुछ अल्फाज क्या हम नहीं कह सकते, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम मौलवी हो क्या? ऐसे भी सवाल हमसे किए जाते हैं। जब जुमा के दिन मस्जिदों से हमें हालात हाजरा पर आगाह नहीं किया जाता, तो जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है कहने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले भी बारहा हमने कहा है कि मस्जिद और मिंबर से ऐसी तकरीरें हो जिसमें हालात हाजरा का जिक्र जरूरी है। कब तक महज अजर सवाब के कैलकुलेशन में हमें फंसाते रहोगे? सबसे बड़ी नेकी तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है, और अगर सबको घर में बैठ कर ही फेसबुक ट्विटर के जरिए इनकलाब लाना है तो इंतजार करो जब तक कि मुसीबतें घरों के दरवाजे तक दस्तक ना दे, और वैसे भी मुसीबत दरवाजे पर आ चुकी है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्यन खाना जिनका कोई धर्म किसी मजहब से इनका लेना देना नहीं, लेकिन महज शाहरुख खान एक नाम है और वो नाम मुसलमान के जैसा लगता है, और इसी की बुनियाद पर किस हद तक घसीटा गया। मोहम्मद शमी जिसने इस मुल्क की क्रिकेट की खातिर बहुत कुछ किया, लेकिन एक मैच पाकिस्तान के हारने की बिना पर क्या क्या नहीं कहा गया। ये बातें इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि नफरत का जहर बहुत गहराई तक उतर चुका है, और इसे भारत के सभी तबकात खासकर मुस्लिम माशरा से महसूस भी कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर किस बात का डर आज भी दीनी या सियासी रहनुमाओं में है कि कुछ कहने को ही तैयार नहीं। त्रिपुरा में 16 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, बस्तियों को जलाया गया, लेकिन अब तक ना किसी अमित शाह ने या फिर मोदी ने इस पर ट्वीट किया है और ना ही इस पर बयान दिया है। जबकि बाढ़ में घर भी ढह जाता है तो वजीर अला ट्वीट के जरिए अफसोस का इजहार करते हैं। किस तरह की खामोशी छाई हुई है? एक तरफ गोदी मीडिया जिसे पता ही नहीं कि त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, और दूसरी खामोशी खुद मुसलमान की है जो सब कुछ जानबूझकर खामोश है, और दूसरी खामोशी पहले खामोशी से बहुत खतरनाक है। मतलब हमने इस जुल्म सितम के साथ जीना सीख लिया है, हमने तो यह तय कर लिया है कि हमें यूं ही जल भुन कर रेल की पटरियों पर काट कर मार भी दिए जाएंगे लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे, और जब तक आपको जिस संविधान ने बोलने की इजाजत दी है आपको बोलना होगा। याद रखो यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारा हर लिहाज से खामोश रहना दुश्मनों के हौसलों में इजाफा कर रहा है। हमें कानून संविधान के दायरे में आवाज उठानी होगी, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि जो भी दबा कुचला पिछड़ा तबका जिसके साथ भी ज्यादती होगी आवाज तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि यह खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना सकती है। आने वाली नस्ल हमें कोसेगी, नफरत करेगी कि कैसे बुजदिलों के पेट से हमने जन्म लिया है। लिहाजा जहां कहीं भी बोल सकते हो बोलने की जरूरत है। क्या दुनिया की जिंदगी ने हमें इतना माजूर बना दिया है कि जलते घरों से निकलने वाली चीखें हमें सुनाई ना दे? खासकर एक बार फिर दीनी रहनुमाओं से गुजारिश है, आज भी आवाम आपसे उम्मीद लगाई बैठी है, कुछ सुनना चाहती है। शहर के हर मस्जिद में अखबारों की सुर्खियों के साथ मौजूदा हालात पर तबसरे किए जाए, उम्मत को आगाह करे कि किस दहाने पर यह मिल्लत का बड़ा तबका आन खड़ा हुआ है। अभी भी वक्त है, अदालतें इंतजामिया कानून आज भी जिंदा है, संविधान अभी खत्म नहीं हुआ है, हम इतने जल्दी मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो आज दंदना रहे हैं इस मुल्क के संविधान को बदलना चाहते हैं, यहाँ के भाईचारे को खत्म कर हिंदू राष्ट्र का कायम अमल में लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चिंगारियां आज भी समाज में है। यूं आसानी से तो फिरका परस्तों की नजर ये मुल्क नहीं हो सकता, लेकिन जिस कौम को इस मुल्क की बका के लिए सरगर्म रहना हो वो बेहिसी का शिकार है। दीनी रहनुमाओं ने हमेशा किरदार निभाया, इस बार फिर जरूरत है। बस्तियां जलने के बाद कुछ लोग इमदाद लेकर पहुंचते हैं, जिनके घरों के लोग मर जाते हैं इन्हें चंदा उठाकर इमदाद दी जाती है, तो बचे हुए जो लोग रिलीफ कैंपों में रहते हैं इन्हें कपड़े पैसे की इमदाद की जाती है। अब मरने के बाद एम्बुलेंस में मुर्दे लाने की आदत को बंद कर मरने से पहले की कोशिश करें, यकीनन कौम बेदार रहेगी तो नुकसान से बच सकते हैं। व्हाट्सएप खेलने से कुछ हासिल नहीं होता। पुलिस थानों में जाकर फिरका परस्तों के खिलाफ फरियाद दर्ज करें, बार बार कार्रवाई पर पूछताछ भी करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई मैसेज आता है या फेसबुक पर पोस्ट आती है तो इसे फॉरवर्ड करके इनके मंसूबों को कामयाब करते रहते हैं। त्रिपुरा फसाद पर SDPI, PFI, जमीयत उलमा, MIM, यहाँ तक के राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं पर मुस्लिम समाज का बड़ा तबका खामोश है, और ये खामोश इस कौम के मुस्तकबिल को लेकर डूबेगी। आज हम अपनी जान बचाने के हिल्ले बहाने तलाश रहे, और जब जमीन मर जाता है तो इंसान मतलब परस बन जाता है, उसे अपना घर, अपनी बीवी, बच्चे, अपना कारोबार महबूब हो जाते हैं, और इसी को दुनिया की मोहब्बत कहते हैं। किसी को कर्ज की फिक्र है तो किसी को अपने बढ़ते कारोबार की, किसी को बड़ा अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का है तो अपने रिश्तेदारों से बेहतर बनाने का भी है, किसी को पड़ोसियों से भी ज्यादा अमीर बनने का ख्वाब है, और इसी रुपये कमाने के मुकाबले में हमने अपने मकसद को ही भुला दिया है। तुम जिस वक्ती जिंदगी में इतना सब कुछ संवारने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तो पल की खबर नहीं है, तुम्हारे साथ कब क्या हो सकता है इसका जरा बराबर भी एहसास नहीं। लिहाजा आगे बढ़ना होगा, किसी एक लीडर को बनाना होगा, सर जोड़ कर बैठना होगा। जिस तरह हम अपने वक्त को जाया कर रहे हैं ऐसा नहीं कि पछताना पड़ेगा। अपनी अनानियत, अपने मसलक, अपनी पार्टियों से
बाहर आ जाओ। 70 साल हमने इसी में निकाले हैं, बहुत कुछ गंवा बैठे हैं, अब कुछ बचा नहीं है। कम से कम अपनी जान माल औलाद के मुस्तकबिल को तो बचाओ। दुनिया की मोहब्बत हम सबको ले डूबने वाली है, दीन की मोहब्बत हमको बचा सकती है। बच्चों को तालीम के साथ तरबियत देना बंद कर दिया, आज कौम की बेटियां गैरों के साथ ब्याह रचा रही है। कुछ तो शर्म करो, घरों की इज्जतों को तक बाजार में लाकर खड़ा कर दिया हमने। खैर, एक दूसरे से राब्ते में रहने की कोशिश करो। मोहल्ले में जमातों के जिम्मेदार कौन है हमें नहीं मालूम, एक मोहल्ले में बरसों से रहते हैं लेकिन किसी का इंतकाल होता है तो हमें खबर ही नहीं रहती। मतलब किस इंतहा तक हम इज्तमायत से दूर हो चुके हैं। मस्जिदों में महज एक या दो सफे नमाजों में, जबकि हजारों की तादाद में मुसलमान रहते हैं। मोहल्ले में अलग अलग मसलक की मस्जिदें हैं और एक दूसरे से हम ऐसे रहते हैं जैसे हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। आओ, अब भी वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है कि फिर से उसी तरह रहने की कोशिश करें जैसे हमें रहने का हुक्म दिया गया था। कहा जाता है कि माशरे तबाह हो जाते हैं दानिश्वरों की खामोशी से और जाहिलों की शोला बयानी से। अल्लामा इकबाल ने कहा, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा उलट गया रहजनों के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।